We shall discuss certain important skills useful to measure emotional intelligence, जिसमें बहुत स्किल्स तो बहुत हैं, सबकी चर्चा नहीं, जिनका ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है या फिर जो ज़्यादा फेमस हैं उसी को आधार है। एक स्किल आपका है नियर, यही नाम आप सुन चुके हैं डेवलपमेंट में, उनके साथ इनका भी सेल्फ व्यू, और ये है कारुशो, ये तीन नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, पूरा नहीं लिखेंगे। ये 2002 का स्केल है और इस स्केल में दो पार्ट है जिसमें नाम दिया है मेयर ई डॉट ऑल, आप सभी जानते हैं कि ये एब्रिविएशन है, एंड अदर्स का। इसमें 2002 ए और 2002 बी, मतलब दो पार्ट है। तो एक स्केल हो गया मेयर सेल्वे क्रूशो इमोशनल इंटेलिजेंस 2002 हैविंग टू पार्ट्स, दैट इज ए एंड बी। दूसरा है, नाम से ही पता चल जाएगा आपको, सेल्फ रिपोर्ट इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। सेल्फ रिपोर्ट तो मैं लिख देता हूं, सेल्फ रिपोर्ट इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। और ये टेस्ट है आपका, किसने डेवलप किया है, ये भी ईटी ऑल वाले हैं। इसमें सुल्टे SCHULTE ETOL, ये 1998 का है, सॉरी 1998, ये फेमस स्केल है। फिर आपका स्केल है ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चनायर, ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चनायर, प्रिपेयर्ड बाय हूम, प्रिपेयर्ड बाय पेट्राइट्स, ये नाम भी हम लोग सुन चुके हैं, पेट्राइट्स एंड फरहाइम, एंड फॉर डबल एच एम। ये स्केल है आपका 2001 का, सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी फेमस स्केल। बिसाइड्स दैट देर इज ए कंसेप्ट, देर इज ए स्केल ऑफ वार ऑन, वार ऑन तब नाम है इमोशनल कोसेंट इन्वेंट्री, इमोशनल कोसेंट, कोसेंट EQ, इमोशनल कोशेंट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ये इसका है ही कि वार ऑन, नाम ही है इनका वार ऑन 1997। इसके भी दो पार्ट है ए एंड बी, सो इट्स ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट स्केल। फिर दो और स्केल है जिसमें नाम है दिस सिचुएशनल टेस्ट ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट, ये अलग से लिखे, दिस सिचुएशनल टेस्ट ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट, याद रखेंगे आप, वैसे भी आप देख सकते हैं वहां से, दिस सिचुएशनल टेस्ट ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट, सिचुएशनल टेस्ट ऑफ इमोशनल लग जाएगा। ये एक है जिसमें इसको आप पहला करते हैं, इसमें एक नाम है CAC, फिर CANN एंड रोबोट्स, कैकन एंड रोबोट, ये स्केल आपका डेवलप हुआ 2008। अब ये नाम दोनों में वही है,
दूसरे का भी नाम यहाँ दूसरा कर दे किया, वैसे ही स्लाइड में भी लिखा है द सिचुएशनल टेस्ट ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, सिचुएशनल टेस्ट ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। और ये टेस्ट भी डेवलप किया हुआ है इन्हीं दोनों का, और इन दोनों ये चीजें पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आप यहाँ ले लें, मतलब कैगन एंड रोबर्ट 2018, मतलब दो तरह का स्केल इन्होंने डेवलप किया, एक द सिचुएशनल टेस्ट ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट कैकन एंड रोबर्ट्स 2008, और दूसरा द सिचुएशनल टेस्ट ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, मतलब बाकी सब सेम है, मैनेजमेंट को अंडरस्टैंडिंग से चेंज कर दिया। और ये स्केल भी रोबर्ट्स है, उनका भी है रोबर्ट्स लिख दिया रोबर्ट्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट स्केल है। लास्ट में एक स्केल का की हम चर्चा करेंगे अदर देन इंडियन स्केल्स, इंडियन स्केल की चर्चा हम लोग थोड़ा विस्तार से अलग से दो स्केल की चर्चा करेंगे। सो इमोशनल एंड सोशल कॉम्पिटेंस इन्वेंट्री, इमोशनल एंड सोशल कॉम्पिटेंस इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री है, स्केल की इन्वेंट्री है, और ये है नाम इनका वाइट जी एंड गोलमैन। गोलमैन को तो आप सभी लोग जानते हैं, तो वाइट डीज एंड गोलमैन ने 2007 में इस स्किल को डेवलप किया है। सो दीज आर सर्टेन स्किल्स, दोज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द मेजरमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ल्ड वाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्किल पार्ट, दो इट इज वेरी मिनिमम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, लेकिन इन लोगों इस स्केल का की चर्चा ज़्यादा है, बाकी और भी कई सारे स्केल हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप दूसरे स्केल्स को भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज एनी स्केल फ्रॉम दिस पार्ट यू विल बी यूजिंग। और कुछ और स्केल की चर्चा हम लोग करेंगे जब हम लोग स्पेसिफिक एबिलिटी के स्केल की चर्चा करेंगे, ट्रेड के स्केल की चर्चा करेंगे और मिक्स्ड की चर्चा करेंगे तब। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्केल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस मेजरमेंट एंड इट्स डिस्कशन। थैंक यू।